आज मैं अपने कंसल्टेशन कॉल से आया और मुझे कॉल था विकी का। Now, विकी इज अ 26 ईयर ओल्ड का। उसका कहना है कि उसे डाउट है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे टेस्ट कर ले। और जैसे ही उसने ये बात कही, मैंने उसको अपफ्रंट लिखा, तुम्हें डाउट नहीं है, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें टेस्ट कर ले। एंड उसने मुझे पूछा, ऐसा आपको कैसे लगा कि ये बिल्कुल मुझे टेस्ट कर रही है? बिकॉज 1% भी अगर आपको कहीं से भी डाउट हुआ कि वो लड़की वो टेस्ट कर रही है, तो मेक श्योर कि इट इज 100% कि वो टेस्ट कर रही है। सो व्हाट आई सेड टू विकी, क्या मैंने उसको सोल्यूशन दिया, एंड कैसे हम पता करेंगे कि लड़की हमें टेस्ट कर रही है कि नहीं, ये मैंने आज विकी को बताया। सो नाउ मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो नो कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फ्रेंड या आप जिसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, वो आपको टेस्ट कर रही है कि नहीं। सो नंबर वन टिप, वो लड़की आप कन्वर्सेशन के दौरान किसी रैंडम इंसान का नाम ले और आपको पता भी नहीं चलेगा। She will like बातें घुमाते 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 she will indirectly take name. For an example, वो लड़की आपसे डिस्कशन कर रही है और कहती है कि यार कल मैं अपनी फ्रेंड रंगीला के बर्थडे पर गई थी ना, तो वहां तो यार अनुराग ने ना कमाल ही डांस किया। सो नाउ अनुराग को आप जानते नहीं है, लेकिन अचानक उस लड़की ने एक ऐसे बंदे का नाम लिया जो उसके साथ कर पार्टी कर रहा। Why? 100 लोगों की पार्टी में अनुराग ही क्यों याद रहा और उसने आपके साथ ये नाम क्यों लिया? उसी टाइम पे आपका ये सेंसर एक्टिवेट हो जाना चाहिए, योर गर्ल इज टेस्टिंग यू। बट मैटर यहां आता है कि साइकोलॉजिकल गेम को पढ़े और जवाब कैसे। जवाब बहुत ही सिंपल होगा, एंड दैट इज नो जवाब। लड़की बताए उस लड़के का नाम आपके सामने क्यों लिया, वाय उसने एक रैंडम इंसान का नाम लिया जो हो सकता है कि असली में वो ही ना, उसने सिर्फ इसलिए लिया है कि वो आपको टेस्ट करे कि आपका रिएक्शन कैसा आता है। क्या आप सामने से बोलते हो कौन अनुराग, मैं जानता हूं क्या उसको, मैं कभी मिला हूं क्या उससे, या फिर तुम ऐसे तो नहीं कह रहे हो कि तुम कल अनुराग का डांस देख रही वो तुम्हारे इमोशंस को नापना चाहती है कि मैं अगर किसी एक ऐसे इंसान का एक लड़के का एक अलग दूसरे लड़के का रैंडम लड़के का नाम लेती हूँ कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ, तो विकी का रिएक्शन कैसे आता है, विकी की लाइफ में कितना हड़कंप मचता है, विकी की दुनिया कितनी हिलती है। वो उसका टेस्ट, शी वॉन्ट्स टू नो कि कितना फर्क पड़ता है कि अगर मैं किसी और के साथ मिल रहा हूं। वो अपना वट बढ़ा रही है, शी इज ट्राइंग टू मेक हिज लेवल अप कि मुझे लड़कों की कमी नहीं है, और इनडायरेक्टली वो आपका टेस्ट भी ले रही है, अगर मैं किसी और लड़के के साथ एक दोस्ती वाले लेवल पर भी जाऊं तो ये लड़का कहीं बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा। एक्स वाई जेड, यू नेवर नो व्हाट अ गर्ल इज थिंकिंग। सो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, डोंट रिएक्ट। हम क्यों रिएक्ट करें? तुम अनुराग के साथ जाओ, विकास के साथ जाओ, या फिर ब्रैड पिट के साथ जाओ, आई डोंट केयर, मुझे क्यों फर्क पड़े, बोलने की जरूरत नहीं है। उसने नाम लिया अनुराग का, रिएक्ट ही मत कर। तुम उसको ज्यादा क्यूरियोसिटी बेचेगी कि यार इसे को फर्क ही नहीं पड़ा। जब इसे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रही हूँ, तो हो सकता है अगर मुझे छोड़ दे तो भी इसको फर्क नहीं पड़े। जब लड़की को पता चल जाता है कि मेरे रहने ना रहने से इस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब वो ये समझने लगती है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो अपने आप की वैल्यू बढ़ाने के लिए उस लड़के के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देती। दैट इज द साइकोलॉजिकल गेम ऑफ अ मास्टर माइंड। सिर्फ बिना कुछ बोले आपने कैसे मीटर सेट कर दिया, दैट इज द साइकोलॉजिकल गेम टू मीट टू Learn for B. अब आ जाते हैं नंबर सेकेंड टिप पर, वो लड़की क्या करेगी पता है? That girl
विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। वो ऐसा दिखाएगी कि मुझे इस लड़के में इंटरेस्ट ही नहीं। लेकिन यू नो व्हाट, इसका भी एक बहुत ही साइकोलॉजिकल स्मार्ट वे टू आंसर टू रिएक्ट है। बट उससे पहले मैं यह बता दूं आप कि लड़की आप आखिरकार ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही है कि आपसे इसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। कभी आग देखिए आग, कभी जलाइए कुत्ते आग किसी पेपर में। जब थोड़ी सी आग बचती है ना, तब हम उसे भड़काने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें फूंक मार से हवा देते हैं जिससे आग बरकरार रहे और बढ़े। लड़की भी वही चाहती, वो आपके अंदर का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि ये मुझे पैम्पर करे, मैं अपना इंटरेस्ट लूज करके दिखाऊंगी तो इसे लगेगा यार ये मेरी तरफ से दूर तो नहीं हो रही है, मैं पूरे एफर्ट्स तो नहीं डाल रहा हूँ। लड़का फिर एफर्ट्स डालने लगेगा वो पैदा करना चाहती है आपके अंदर का इंटरेस्ट, आपकी मेहनत को जगाना चाहती है कि ये लड़का मेरे लिए मेहनत ही करनी शुरू कर दे, मेरे लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर दे और मैं स्पेशल बनूं, स्पेशल दिखाऊं अपनी नज़र में, अपने फ्रेंड्स की नज़र में, आप खुद उस लड़के की नज़र। दैट इज अ स्मार्ट गेम बाय शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। एंड इसका सोल्यूशन है अगेन, डोंट रिएक्ट तो मैं फक नहीं पड़ा। वेरी सिंपल सटल ट्रिक, जैसे सिंपल सोल्यूशन को रिएक्ट मत कर। तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है कोई बात नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझ पर इंटरेस्ट, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके रिएक्शन से ही सामने आ जाना चाहिए। अगर वो आपको फोन नहीं करती है मत करो, अगर वो आपको मैसेज नहीं करती है मत करो, अगर वो आपसे वीक में 3 दिन मिलती थी आप 1 दिन मिल रही है तुम 1 दिन में मत मिलो। आप उसे समझ में आए पहले उसने क्या करी, वो लड़की क्या करेगी ना, गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, वो आपसे 1-2 हफ्ते 1 महीने के लिए डिस्टेंस बना ले। बट याद रखो, वो आर अ मास्टर माइंड, तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, उस माइंड फोकस पर रहो, उस सेट ऑफ माइंड वर्क करें। वो 1-1.5 महीने बाद वापस आपके पास आएगी जब उससे पता चलेगा कि मेरे जाने ना जाने से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब वो इमेज मार्केट में होल्ड करोगे ना, देन यू विल विन ईच एंड एवरीथिंग यू वांट दैट गर्ल टू। अब आ जाते हैं नंबर 3 टिप पर, एंड नंबर 3 टिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब लड़की को लगे कि आप उसे लूज कर रहे, यानी कि जब लड़की आपको ऐसा एहसास दिला दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं, दैट कम्स आफ्टर लैक ऑफ इंटरेस्ट राइट, तब इस लड़के में क्या रिएक्शंस हैं, क्या ये लड़का एफर्ट डालेगा भी कि नहीं डालेगा। नाउ देयर इज अ वेरी थिन मार्जिन, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, जाने देना है, नहीं। अगर लिटरली वो लड़की आपकी गलतियों से परेशान है, आपके डिसीजन से परेशान है, आपके एफर्ट्स से परेशान है कि आप नहीं करते एफर्ट, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, और एक जेन्युइन लड़की है और वो थक चुकी है आपसे और जाने वाली है और आपको ये रियलाइज करवा रही है कि मैं जा रही हूँ, फिर भी अगर आप कुछ एफर्ट नहीं करोगे ना, देन यू विल लूज हर, यू विल लूज अ जेम। वो कैसे फिगर आउट कर, तो फिगर आउट करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जब वो जाने लगे तुमसे जाने का इंटेंशन पूछो, अगर वो मौका दे उसे पूछो, ठीक है तुम जाना चाहती हो नो प्रॉब्लम, उसे रोको मत, पूछो उससे जाना चाहती हो नो प्रॉब्लम, बताओ मुझे कि व्हाट इज द रीजन। अगर वो एक जेन्युइन रीजन हुआ और अगर आपने वो गलती करी है, देन एक्सेप्ट इट, यू डिजर्व कि वो चले जाए। अगर वो जेन्युइन रीजन नहीं देती है और इधर उधर की बातें घुमाती है, देन तुम खुद से उसको भेज दो, वैसे लड़की की तुम्हारी जिंदगी में जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, ना वो किसी और के साथ टाइम पास करे, तुम्हारे साथ ना करे, बिकॉज योर टाइम इज प्रीशियस, बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड। सो वो थिन लाइन आपको समझनी है, एंड दैट थिन लाइन विल बी क्लियर जस्ट ओनली विद अ कन्वर्सेशन। जेन्युइन लग रही है, अगर आपकी लाइफ में मैटर करती है तो उससे बात करो, उसे पूछो, जेन्युइन वजह है तो सोल्यूशन करो उसका, हम एक साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बैठ कर उसको खत्म करो बात को एंड आगे बढ़ो। अगर वो गलती आपकी नहीं है और वो फालतू की बातें घुमा रही है, देन फालतू की बातें घुमाने के लिए आप कोई और लड़का ढूंढ लीजिए, खुद से उसको ऑफर दो, बोलो टैक्सी बुला दो। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे हैं तो डेफिनेटली यू आर लाइकिंग दिस वीडियो,
आई बिलीव आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर नहीं किया तो बात करूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करने चाहते हैं, मास्टरमाइंड टीम का एक मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। इसके बाद आने वाले एक वीडियो डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल कंसल्टेंशन, किसके साथ हमारी बात की थी, कौन हमारा न्यू मेंबर, उसके बाद हम उस पर बात करें। थैंक यू सो मच, पीस।